घर सजा हुआ था। लोग घर के बाहर बारात का इंतजार कर रहे थे। मंडप में दुल्हन तैयार थी, रस्में चल रही थी, तो दूसरी तरफ खाने पीने की तैयारी चल रही थी। पूड़ियां बेली जा रही थी और सेकी जा रही थी। लेकिन तभी वहां पहुंची दो महिलाएं, जिन्होंने बताया कि वो उस दूल्हे की पहली पत्नी है जो यहाँ बारात लेकर पहुंचने वाला है। जी हाँ, ये मामला झांसी के समथर का है, जहाँ जितेंद्र नाम के लड़के को 24 मई को बारात लेकर दीपा के घर आना था, लेकिन वहाँ पहले से शादीशुदा दोनों पत्नी विनीता और पूजा को पति के शादी करने का पता चल गया। वे झांसी जिले के ग्राम बसोई पुलिस को लेकर पहुंच गई और शादी होने से रुकवा दिया। पता चला कि जितेंद्र पहले ही दो शादियां कर चुका है। विनीता और पूजा नाम की दोनों महिलाओं से उसकी शादी हो गई है और उसके बाद भी वो तीसरी शादी करने की फिराक में था। विनीता, क्या क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरी बताएं। हम उरई के उतरते आए हैं, उरई से हमें मालूम चली विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहा है। कौन कर रहा था? जितेंद्र साथ शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब? हमारी भी 2014 में शादी हुई थी 11 फरवरी को। हाँ, हमारी दो लड़की हैं, एक लड़की हम रखे हैं, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इन्हें कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गाँव में? बसोबई में। आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो, सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता, मालूम पड़ी हमें कि शादी है तो हम और आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी होगी? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ क्या बोला? दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला तो हम और कोर्ट गए थे, थाने भी गए, तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है, हम क्या दे देते इसको। तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे लड़की वाले? लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है। शादी रोक गई है? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? पूजा। क्या घटना हुई है? हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ। राठ में रहती है? जिगनी में रहते, राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर एक हमसे एक एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गाँव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की, तो एसपी साहब के यहाँ हो रही, हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन, तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने एयर थाने में कहा, तो वहाँ से दारोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोड़ थाना से, हमें पता चला कि ये बस वही समथर थाना के अंडर पड़ता है, तो इसलिए फिर हम समथर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए, तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। तो अभी आए नहीं है अतवारी पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हमारी जो बच्चियाँ उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। जितेंद्र की असलियत जैसे ही सामने आई, वहाँ हंगामा मच गया। दीपा के परिवार के लोगों ने साफ कह दिया कि अब उसकी शादी जितेंद्र से नहीं कराएंगे। वहीं उसके भाई अजीत ने यह तक मांग कर दी कि जो पैसा और सामान दहेज में दिया गया है जितेंद्र को, वो सभी सामान उन्हें पूरा का पूरा लौटाना होगा। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम बसोई का हूँ। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की, तो यहाँ पर दो महिलाएं पुलिस के साथ आईं, तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, रिश्तेदार आ चुके थे, आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन, तो उसमें फिर दो महिलाएं आईं पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ, और एक महिला और थी, तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई दो शादी पहले से हो चुकी हूँ और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने। नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये महिलाएं, दो महिलाएं वहां से आईं, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया,
तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया, सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना, हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन दो महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं उनके, उनसे बच्चे भी हैं, और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपए के लगभग, तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं, और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे सब उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना कर सके सर। उस पर बहुत आपने ये संबंध किया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये एट के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका? जितन नाम था। तो अपनी शादी नहीं, अब वहाँ नहीं शादी करेंगे, और उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि वो किसी और को, हम लोग तो अभी जैसे बनते हैं तैसे अब इस बिटिया को निकाले दे रहे हैं, किसी और की बिटिया की भी ज़िंदगी ख़राब ना हो, उस पे काफ़ी कार्रवाई होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जितेंद्र दो शादियों के बाद भी रुका नहीं और तीसरी शादी करने के लिए आगे बढ़ रहा था। धोखाधड़ी की ये तैयारी कब से चल रही थी, ये बड़ा सवाल है। और फिलहाल जितेंद्र की खोज जारी है। लोकेटिंग के लिए झांसी से शाश्वत सिंह।